नष्टी हुई है जमीन की, मतलब वो जब तुर्की का जमीन पट्टा स्थाई था, स्थाई तुर्की के पट्टा से रेगिस्तान पर नष्टी हुई है, जब पट्टा स्थाई था तो अस्थाई वाली सरकारी जमीन कैसे हो जाएगी? कलेक्टर जब स्थाई पट्टा दे रहा है तो वो अस्थाई कैसे हो गया? उसमें हमें कलेक्टर ने भूमि स्वामी का आदेश दिया है, पूरी भूमि स्वामी का डायवर्सन किया है हमने, 172,000 रुपए वो दिया, 14,00,000 की स्टाम्प ड्यूटी दी मैंने, और उसपे हमें 20,00,000 का मुआवजा मिला, 14,00,000 का मुआवजा चतुर्वेदी को मिला, पहले उस जमीन को इन्हीं एसडीएम द्वारा पूरा मुआवजा दिया गया, फिर इसी जमीन पे लोन हुआ, इसी जमीन को फिर सरकारी कर दिया गया। अब पहले खुद एसडीएम दोषी हैं क्योंकि इन्होंने खुद उस पर मुआवजा दिया है। नहीं सर, जैसे जहाँ जहाँ सर शासकीय जमीनें हैं जहाँ जहाँ, तो उनकी हमें क्या पड़ी कि हम शिकायत करें? वो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना कि नुजूल की जमीन है, ये सास की जमीन है, ये नाले की जमीन है, ये शमशान की जमीन है, ये तो आप ही को देखना पड़ेगा। ये सर ये सर कब तक इसकी जांच हो जाएगी सिटी लाइफ मॉल की? अस्पताल भी शासकीय जमीन पर बना है, पर भूमि पे की जा रही है, जो शासकीय भूमि थी, गौचर भूमि थी या शमशान। सर महोबा रोड पर भी सर वो चरनोई की जमीन है, उसमें भी लोगों ने पेट्रोल पंप स्कूल बना लिए। मैं तो पूरा अनुमान का ही जांच कर रहा हूँ, जिसकी जिसकी जांच पूरी होते जाएगी वैसे वैसे जो है आप लोगों के संज्ञान में मामला आ जाएगा। अभी पहले से ही आपको बता देंगे तो सारे लोग सचेत हो जाएंगे। मतलब होगी इन लोगों पे कार्रवाई आपके रहते हुए, होगी इन लोगों के जो शहर के भूमाफिया हैं बचेंगे नहीं? कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। शहर के जितने भी नाले हैं सभी पर अतिक्रमण बराबर है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नाले हो, नदी हो, जो भी हो, अगर जमीन सरकार नहीं थी तो इन्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए था। ये आप तो पैसे की हमसे पुराना पैसे लेने के लेन देन पे पहले हमसे सौदा हुआ था, इनने बाद में हमने कहा नहीं भाई मैं पैसा क्यों दूं, मेरी जमीन सरकारी नहीं है, स्वामी है, 6 बार जमीन बिकी है, हमने हाल चाल की नकल देखी, खसरा प्रकरण देखा, तो भैया मैंने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री में मैंने 14,00,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दी, पूरी स्टाम्प ड्यूटी उस पर नामांतरण कराया, पूरे तहसीलदार साहब ने नामांतरण कराया, फिर उस पर हमने 172 का डायवर्सन कराया, 172 के डायवर्सन में मैंने कम से कम 6,05,096,000 रुपए मैंने चालान के माध्यम से गवर्नमेंट को टैक्स दिया। एसडीएम कितने पैसे मांग रहा था? ठीक, तो पूरी जमीन पे, फिर इसके अलावा फिर जब डायवर्सन हो गया, जमीन हो गया, इस पे हमारा 20,00,000 रुपए का ना मुआवजा बना, चतुर्वेदी का 14,00,000 रुपए का मुआवजा, 14 उनको बना, तो इन्हीं एसडीएम साहब ने 14,00,000 उनको दिया। तब सरकारी थी तो पहले आके बंद हो गई थी क्या? वो कह रहे थे पूरा उसका मुआवजा वाला पैसा हमें चाहिए, आज तक वो मुआवजा वाला पैसा ने दिया भी नहीं और लोगों को दे दिया। पैसा कितना मांगा गया टीम ने? 1 करोड़ रुपए। और फिर सौदा कितने में? 5,00,000 में। व्यक्तिगत आपको सीधे टारगेट कर रहा, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जब उनका ट्रांसफर हुआ था उनको लग रहा था कि ये ट्रांसफर मैंने करवाया है, भाई मैं एक मास्टर आदमी हूँ, छोटा सा तुझसे टीचर हूँ मैं, ठीक, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है मैं किसी एसडीएम का ट्रांसफर करा सकूं। इसका पहले 172 में डायवर्सन भी था, 172 का डायवर्सन है उस जमीन पे पूरी का। वो कैसे हो गया फिर? पूरा एसडीएम ने कराया किया है, पूरे विभागों की एनओसियां हैं, जिन जिन विभागों ने एनओसियां दी हैं वो सारे विभाग फिर दोषी हैं, फिर वो एसडीएम भी दोषी हैं जिन्होंने डायवर्सन किया है, अगर सरकारी जमीन थी तो। सीएम अब क्या करेंगे आप? हम इसके संबंध में हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमारी जमीन पे पहले से भी कोर्ट सीमांकन पे हाई कोर्ट का स्टे है, और एसडीएम साहब ने किसी से कहा है कि वो फर्जी वो स्टे ले घूम रहे हैं, अगर हमारा फर्जी है तो एसडीएम साहब का भी कोर्ट का या हाई कोर्ट का स्टे भी वो फर्जी है, फिर वो भी उस चीज पे बैठने के काबिल नहीं है। राजनेताओं पे संपर्क करेंगे कि आप इनकी शिकायत? अरे भाई आ रहा है कल, उनसे बताएंगे आप? अरे हम कुछ सब शासन में जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कंटेम्बी में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारी कोई सुनेगा हम वहाँ वहाँ सुनाने जाएंगे, लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल, हम तो पीठ बंद करके तैयार बैठे हैं, अब आर पार मैदान में ही होंगे, अब जो होगा देखा जाएगा।